राज्यरे 2000 पार दैनिक संक्रमण 24 घंटा रे ओडिसारे 2703 पॉजिटिव चिन्हट खोर्धारे सर्वाधिक 926 संक्रमित चिन्हट होछन्ते सेपरि सुंदरकटरे 454 कटकरे 191 केस रहिछे झारसुगुडारे 106 जाजपुरे 78 बरगडरे 75 बालेश्वरे 73 बलांगीरे 54 आक्रांत रहिछन्ते आजर संख्याकु मिसाइ राज्यरे मोट आक्टिव केस 8237 रे पहुँचिछे सेपटे 3000 अधिक आक्टिव केस सह रेड जोन को फेरी खोर्धा जिला लगातार भाव कोरोना संक्रमित संख्या वृद्धि पाइबार लगी आज रेकर्ड कह 2000 पार कर दैनिक संक्रमण अर्थात 24 घंटे ओडिशा 2703 पॉजिटिव चिन्हट होती आ सबुठ बड़ कथा खोर्धारे सर्वाधिक 926 संक्रमित चिन्हट होती मोट 3000 आक्टिव केस रही रेड जोन को फेरी खोर्धा जिला ये वर्तमान बड़ खबर आँचुची राज्य में 2000 पार कर दैनिक संक्रमण एवं खोर्धारे सर्वाधिक रही संक्रमित संख्या 926 ए बाबद्र अधिक सूचना पाई आम सहित दिव्यज्योति महांति आम सहित जोड़ी रही दिव्य लगातार ये ट्रेंड कहुची विगत किछि दिन 600 1200 तापर 1700 पाखापाखि 1800 एवं वर्तमान 2700 पाखापाखि 3000 मुहा हला ये कोटना कोटि चिंताजनक विषय देखु निश्चित भाव में संक्रमण विस्फोरक स्थिति राज्य में आप देखु 400 600 1200 1800 जो लगातार भाव संक्रमित संख्या 600 800 ये बढ़ी चलती क्योंना क्योंकि आपको नहीं सचेतन होवार समय आसी स्वास्थ्य विभाग मानस मंथन करुच्च आज जो 2703 संक्रमित चिन्हट होती यापर स्वास्थ्य विभाग एक जरूरकालीन बैठक डाकी स्वास्थ्य विभाग तमाम वरिष्ठ अधिकारी मैंने बैठक में उपस्थित अच्छा मानस मंथन चली क्यों रणनीति आपणा कि भाव में संक्रमण उपर लगाम लगे कारण यही संक्रमण स्थिति जदि यह भाव बढ़े तेल आउ 4-5 दिन हूँ तो आम 4000-5000 पाखापाखि छुई जाइए तो आपको कंट्रोल करवा क्यों ना क्योंकि गोटे बड़ मुस्किल हो स्वास्थ्य विभाग पर स्वास्थ्य भित्तिमि पर गोटे बड़ चाप पड़ और अनेक लोक जहाँ कहुचे विशेषज्ञ मैंने कहते अधिक रु अधिक लोक मेडिकल बेड्र आवश्यकता पड़ब ना से मेडिकल जवाक आवश्यक पड़ब ना कितु जदि अधिक लोक एका सांगे संक्रमित होते हैं से मिनिमम 10% लोक मेडिकल जवाक पड़ तो जदि एत लोक संक्रमित होते हैं से जो 10% लोक मेडिकल जी तुना के मेडिकल भित्तिमि पर गोटे बड़ चाप पड़ जहाँ दृष्टि रखी स्वास्थ्य विभाग पक्ष मानस मंथन जारी रही स्वास्थ्य निर्देशक आरंभ कर वरिष्ठ अधिकारी मैंने बैठक में उपस्थित अच्छा कौन के रणनीति आपण संक्रमण पर लगाम लगे मध्य मानस मंथन चलती कितु आ गोटे विड़म्बनार विषय हूँ जितेबाला संक्रमण बढ़ुच्च से ही समय राज्य में टेस्टिंग कमुच देखि गत काली 72000 टेस्टिंग होता आज यह 68000 खसी आसी सत्वे 2703 संक्रमित चिन्हट होती गत काली केन्द्र सरकार समस्त राज्य को ओडिशा समेत 9 राज्य को निर्देश देते आप टेस्टिंग बढ़ात टेस्टिंग न बढ़े तो संक्रमित बा ओमिक्रॉन स्थिति कौन अच्छी जाणी हेब ना कितु एपर स्थल ओडिशा कहीं टेस्टिंग कमुची गोटे प्रश्न सृष्टि होती टेस्टिंग को जदि न बढ़ाजे अधिक रु अधिक लोक ट्रेस आउट कर ट्रिटमेंट करवा क्यों ना क्योंकि गोटे काठिकर पाठ हो लोक मैंने बाहर बुलवा द्वारा अधिक रु अधिक गोष्ठी संक्रमण व्यापीज आप देखु जहाँ कहुच्छ जे यही ओमिक्रॉन वेरिएंट लक्षण विहीन लोक 90% रोचान तो जदि टेस्टिंग न बढ़ाजे क्यों ना क्यों ओडिशा यह आउ गोटे विपद आणव ता सहित आप देखु जो भाई भाव में गत काली केन्द्र सरकार पक्षर कहुई आप जिला स्तर में कंट्रोल रूम करूँ कंट्रोल रूम आंबुलांस रखु फोन नंबर 24/7 चालू रहू जहाद्वारा जो लोक मैंने चाहिए जोजोग करने जिला प्रशासन जोजोग करेंगे और जदि आंबुलांस आवश्यकता अच्छी तुरंत जोगाई दिया जाऊ जो कंट्रोल रूम खोलने सरकार एवं सुधा कौन व्यवस्था करते विषय आ किस समय जना पड़ो जे ये कंट्रोल रूम पर सरकार निर्देश देते कौन बैठक आलोचना होपटे 10 तारिख वरिष्ठ नागरिक और स्वास्थ्यकर्मी और जो मैंने फ्रंटलाइन वर्कर अच्छे टीकाकरण आरंभ होलोचना चलती है कि भाई भाव में ये वरिष्ठ नागरिक को टीका दिजा और के भाव में स्वास्थ्यकर्मी और फ्रंटलाइन वर्कर को टीका दिजा सबुठ बड़ कथा हो आज खोर्धा जिला पुणे रेड जोन को फेरी खोर्धा जिले में
ଆପଣ ଦେଖିବେ TPR ବର୍ତ୍ତମାନ 7% ରୁ 8% ଛୁଇଁ ଯାଇଛି। ନିହାତି ଭାବରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କହିପାରିବା, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପ୍ରଶାସନ ପାଇଁ ଏବଂ ଖୋର୍ଦ୍ଧାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାଜନକ ବିଷୟ ଯେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ସବୁବେଳେ ପ୍ରଥମ ଲହର, ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୃତୀୟ ଲହରରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସମାନ ସ୍ଥିତି ଦେଇ ଗତି କରୁଛି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ସଂକ୍ରମିତ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଯେହେତୁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏଠି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଯାତାୟତ ରହୁଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯେହେତୁ ରାଜ୍ୟର ରାଜଧାନୀ, ତ ଏଠିକୁ ଅନେକ ଲୋକ ଗମନାଗମନ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସଂକ୍ରମିତ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି। କିନ୍ତୁ BMC ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାଜନକ ବିଷୟ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, BMCର ପାଖାପାଖି 40 ଜାଗା ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଘୋଷଣା ହୋଇସାରିଲାଣି। ତ ଏହାରି ଭିତରେ BMCର ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ, ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରେସ୍ ଆଉଟ୍ କରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଟେଷ୍ଟିଂ କରାଯିବ, ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରାଯିବ, ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ BMC ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ସହ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟ ଆଜି 400 ପାର କରିଯାଇଛି ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ୟେଲୋ ଜୋନ୍କୁ ଯାଇଛି। ଏ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଅନ୍ୟପଟେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ତା ସହିତ ବାଲେଶ୍ୱର, କଟକ, ଏଭଳି 5-6 ଜିଲ୍ଲାରେ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ଥିତି ବିଗୁଡ଼ୁଛି। ଆମକୁ ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲା ଉପରେ ସତର୍କ ନଜର ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ଏହା ଉପରେ ସତର୍କ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିଛି, କିଭଳି ଭାବରେ ଏଠି ଯଦି ଆହୁରି ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼େ ତାହେଲେ କ'ଣ କରାଯିବ, କେଉଁଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଯେ January 26-27 ବେଳକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ପିକ୍ ନେଇସାରିଥିବ ସଂକ୍ରମଣ ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ସଂକ୍ରମିତ ସଂଖ୍ୟା 40-50 ହଜାର ଛୁଇଁ ଯାଇଥିବ। ଯଦି ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ସଂକ୍ରମଣ ଚିହ୍ନଟ ହେବେ ତାହେଲେ କେଉଁ ନା କେଉଁଠି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭିତ୍ତି ଉପରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଚାପ ପଡ଼ିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଅପଡ଼େଟ୍ ରହୁଛି ଯେ ICUରେ ଏବେ ବି 250 ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପୂର୍ବ ଯାହା ସ୍ଥିତି ଥିଲା 100-150 ଲୋକ ଥିଲେ ICUରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି 5-6 ଦିନ ଯେଉଁ କେସ୍ ଲୋଡ଼ ବଢ଼ିଗଲା ତାଦ୍ୱାରା ପାଖାପାଖି 100 ଲୋକ ICUକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇସାରିଲେଣି। ତ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଯଦି କେସ୍ ଲୋଡ଼ ବଢ଼ୁଛି ତାହେଲେ ମେଡ଼ିକାଲ ଭିତ୍ତିଭୂମି, ବିଶେଷ କରି ICU, ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ଏସବୁ ଉପରେ ଚାପ ପଡ଼ିବ। ସେ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ଯାହା ଗତକାଲି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ବୈଠକ ନେଇଥିଲେ, ସମସ୍ତ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି, ଆଉ ଏସବୁ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପାଲଟିଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ସଜାଗ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଏଥିପ୍ରତି ନଜର ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିବ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ।